चौथे की फ्रेंड्स, जब भी हम कोई भी कंठी गला बनाते हैं उसमें हम जो है तीरा बड़ा रखते हैं और जो हमारी बैक की और फ्रंट की कटिंग होती है आर्म होल में वो भी हमारी ज़्यादा होती है। और देखिए इसमें हमने कटिंग करते हुए एक सेंटर का हमने इसमें निशान लगाया था, तो देखिए ये एक सेंटर का हमने इसमें निशान लगाया था। तो सबसे पहले हम इसको देखिए इस तरह फोल्ड करेंगे। देखिए इसमें जो हम गले की चौड़ाई रखेंगे वो 2.5 इंच पर हम एक मार्क करेंगे और जो गहराई है वो हम इसमें 3.5 इंच की रखेंगे, ये देखिए। और फिर हम इसमें हर किसी भी शेप में इसकी गोलाई देंगे इस तरीके से, ये देखिए, और इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा आगे का पीस है, ये देखिए इस तरह। अब देखिए 9 इंच तक हमें इसमें जो हुक्का पट्टी अपने के जो है वो बनानी है हमें, तो 9 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और इस साइड से हम देखिए थोड़ा सा 2 पॉइंट के करीब हम इस साइड से यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो ये देखिए ये हमने इस साइड यहाँ पर इसे 2 पॉइंट हमने इस साइड ये निशान लगाया है। यदि आप काज पट्टी इस साइड लगा रहे हैं तो आप इस निशान को इस साइड लगाएं, यदि आप काज की पट्टी इस साइड लगा रहे हैं तो आप इस निशान को इस साइड लगाएं। तो हम इस साइड बटन लगाएंगे और इस साइड हम इसके काज करेंगे। इसमें हमें हुक और आई लगानी है तो उसी के अनुसार हमने इसमें इस निशान लगाया है, और इधर हमारे आई होंगे और इधर हमारे हुक लगेंगे। तो इसको हम 9 इंच तक इसकी इस तरीके से कटिंग कर देते हैं, ये देखिए। अब देखिए 2 स्ट्रीप चाहिए हमें और जो हमारी इसमें हमें इसको इस साइड लगानी है जिस पर हम अपने हुक लगाएंगे, और ये हमने 9.5 इंच की दी हुई है जितनी हमारी आगे की जो प्लेकेट्स की कटिंग की है। और जो इसकी हमने ये देखिए 2 इंच की हमने इसकी चौड़ाई रखी है और इसकी हमने 3 इसके ऊपर हमारे जो हमें ताबीज़ बनाना है वो उसी के ऊपर हम बनाएंगे। तो 3 इंच की हमने इसकी लंबाई ली हुई है और ये हमने 11.5 इंच की ली हुई है। अब देखिए ये हमारी इस साइड लगेगी और ये हमारी इस साइड लगेगी, ये देखिए। तो यहाँ पर इसमें हमें ताबीज़ बनाना है तो सबसे पहले हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। और देखिए ये हमें हल्की सी ऊपर की तरफ इस तरह से इतनी हमें आगे ऊपर की तरफ रखनी है और एक पैर की सिलाई हम इसमें लगाएंगे। और देखिए सीधी तरफ हमने इसको रख के लगाई है और अब हम क्या करेंगे इसको इस तरह से थोड़ा सा हम इस तरह फोल्ड करेंगे और उसके बाद इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और जो हमारी सिलाई है इसको इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे हम, और थोड़ा हमारा इस तरीके से ये दिखना चाहिए। और ये देखिए इसको हम इस तरीके से करेंगे, ये देखिए इस तरफ हमने ये हमारी पट्टी लग चुकी है। अब हम इस साइड लगाएंगे, तो ये हमने सीधी तरफ से लगाकर उल्टी साइड हमने इसको फोल्ड किया। अब हम इसको ये उल्टी साइड है हमारी और इसको हम इधर से लगाएंगे, इसको भी हमें थोड़ी सी ऊपर की तरफ से लेनी है। अब एक छोटा सा कट हम इधर इस तरह से लगाएंगे और एक इधर लगा देंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए इसको भी हम थोड़ा ऊपर से लेंगे, और ये ऊपर हम क्यों ले रहे हैं थोड़ा वो हम आपको बाद में बताएंगे जब हम इसकी पूरा बना लेंगे, पूरा मिलाते हुए इसको। तो यहाँ तक हमें इसमें सिलाई लगानी है। अब देखिए हम इसको अब इस तरीके से सीधी तरफ करेंगे, देखिए ये हमारी सीधी साइड है और इसको हमने उल्टी तरफ से लगाया था और इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे, ये देखिए। और जो ये सिलाई है अब हम आप चाहें तो इसके ऊपर पेस्टिंग भी लगा सकते हैं और इस तरह थोड़ा सा फोल्ड करके और सिलाई के जो हमने सिलाई इसके साथ अटैच की है उसके ऊपर इस तरह से लेंगे, और ये देखिए इस तरह से सिलाई को अंदर करते हुए, और यहाँ किनारे किनारे पर हमें सिलाई लगानी है। देखिए अब हम इसको इस तरह से घुमाएंगे और यहाँ पर एक सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे, बाद इस तरह करेंगे
और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, से हम थोड़ा सा कपड़ा इस तरीके से नीचे की साइड का कटिंग करेंगे, क्योंकि यदि हम यहाँ पर तावीज़ बनाएंगे तो ये नीचे का कपड़ा कटिंग कर देंगे तो ये अधिक हमारा मोटा नहीं बनेगा। ये देखिए, अब देखिए एक बार हम इस साइड से ऐसे करेंगे और दूसरा हम इस साइड से, और ये देखिए हम इसको जो हमारा सेंटर की सिलाई है इसके ऊपर हम इस तरह रखेंगे और सीधी सिलाई यहाँ पर इस तरह से यहाँ तक लगाएंगे। और ये देखिए हमारी हुक्का पट्टी लगकर तैयार हो गई, बिल्कुल सफाई के साथ हमारी स्कूल यूनिफॉर्म में लगी है। अब हमने कहा था आपको ये थोड़ा हमें एक्स्ट्रा रखना है, तो अब देखिए इसकी कटिंग हम इस तरह मिलाते हुए, क्योंकि हमें शेप देनी होती है इस तरह से, ये देखिए, और इसी तरह में इसमें करनी है, ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए इसके ऊपर हमें यहाँ पर कॉलर लगाना है, तो वो हमें उसको देखना होगा। तो सबसे पहले हम जो हमारा पीछे का पीस है, अब देखिए 2.5 इंच की हमने आगे के गले की चौड़ाई रखी थी, तो इसमें 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, और यहाँ पर सिर्फ हमें 1/2 इंच की गोलाई देनी है पीछे के गले में, सिर्फ 1/2 इंच की, ये देखिए इस तरीके से। देखिए पीछे के गले की हल्की सी हमने 1/2 इंच कटिंग की है, और एक सैंडर मार्क हमने इसमें लगाया हुआ है। अब हम आगे और पीछे के जो तीरे हैं उनको हम जोड़ देंगे। अब देखिए दोनों ही तीरों पर हमें सिलाई लगानी है डबल डबल, दोनों तीरों पर हम देखिए दोनों तरफ के तीरे यानी शोल्डर हमने जोड़ लिए हैं। अब हम जो गला है इस तरह से पकड़ेंगे, और अब देखिए इस तरीके से हम गले को पकड़ेंगे, और यहाँ से हम इसकी लेंथ हम देखेंगे कितनी है, तो इस तरह से करते हुए और ये देखिए 8 इंच यानी 16 इंच हमें पैन की कटिंग करनी है। अब देखिए ये हमारे पास बुकरम है, और इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड किया हुआ है, और 1-3 इंच का हम निशान यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से, और 1-2 इंच का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से, और धीरे धीरे हम इसकी यहाँ से 3 इंच का हमने जो निशान लगाया है यहाँ से इसकी धीरे धीरे इस तरह गोलाई करेंगे, ये देखिए इस तरह। अब 1-1 इंच का निशान हम इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे, ये देखिए आप इसको 1 या 1.25 इंच तक आप इसको रख सकते हैं, ये देखिए इतनी चौड़ी। अब हम ऊपर और यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे, ये देखिए अब हम इसकी यहाँ पर हल्की सी गोलाई करेंगे इस तरीके से, ये देखिए। अब देखिए 2 पट्टी हमें चाहिए और सेम इसकी लंबाई और चौड़ाई हमारी बराबर होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दोनों तरफ से यहाँ से छोड़ते हुए और यहाँ नीचे की तरफ यहाँ से हम एक सिलाई इसमें लगाएंगे। तो देखिए थोड़ा इतना हम यहाँ से इसको छोड़ देंगे, और ये हम क्यों छोड़ेंगे ये हम अभी आपको बताएँगे, ये बहुत मेन चीज़ है इसमें, तो इतना हमें ज़रूर छोड़ना है ऊपर की तरफ, और इसी तरह से गोलाई देते हुए हमें इसकी शेप बनाते हुए यहाँ किनारे किनारे बिल्कुल हमें बुकरम के किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है,
इसी तरह इस साइड भी हमें ऊपर की तरफ से थोड़ा सा यहाँ से छोड़ना है, गोलाई इसी तरीके से देनी है। अब देखिए यहाँ से हमें इसको थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखते हुए कटिंग करना है इस तरीके से। और इस साइड से भी हमें इतना इतना कपड़ा रखते हुए इसकी कटिंग करनी है। अब देखिए इसको हम यहाँ पर रखेंगे इसके ऊपर, दूसरी स्ट्रिप के ऊपर, और इसमें भी हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इसको भी हम इसी के बराबर कटिंग कर देंगे। अब देखिए जो ये हमने नीचे से इस साइड से कटिंग की थी, अब हम इसको इस तरह से लेंगे और एक सिलाई हम इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह करते हुए लगाएंगे। ये देखिए। और अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे कट हम यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि यदि हम ये कट नहीं लगाएंगे तो जो फिनिशिंग हमें चाहिए वो फिनिशिंग हमारी इसमें नहीं आएगी। और उसके लिए हमें जहाँ पर ये गोलाई होती है वहाँ पर हमें ज़रूर कट लगाने चाहिए, और वैसे थोड़े थोड़े कट हमें इसमें चारों तरफ लगाने चाहिए। और इतना कपड़ा आधा इंच का रखते हुए इसकी इधर से भी कटिंग करेंगे। और देखिए इसको कपड़े को आधा इंच हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है, और एक सेंटर का निशान हम इस तरह से मिलाकर यहाँ पर एक सेंटर का निशान लगाएंगे, और इसको हम इस तरीके से सीधी करेंगे और इसके ऊपर आयरन करेंगे। और ये देखिए आयरन करने के बाद हमारी जो कंठी है बिल्कुल एकदम फिनिशिंग के साथ बैठी हुई है। और अब एक सेंटर का निशान हम यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे, पूरा इसको मिलाते हुए यहाँ से आगे की तरफ से। अब देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करेंगे इसको, और ये हमने इसलिए खुला रखा हुआ आया था क्योंकि यहाँ पर हमें इसको इसके साथ अटैच करना है, और इधर उल्टी साइड से हम इसको रखेंगे ये देखिए इस तरीके से। और देखिए जो हमने पीछे के गले में सेंटर का निशान लगाया था और ये निशान हमारा देखिए बिल्कुल मिला हुआ है। तो इस साइड से भी जो हमने इधर से थोड़ा सा खुला छोड़ा था उसको हम इस तरह कपड़े को फोल्ड करेंगे। ये देखिए उसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ पर, और यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरह अंदर की तरफ इस तरीके से ये देखिए, और इसको थोड़ा अंदर की तरफ हम इस तरह से करते हुए और इस तरह से, और जो हमारा सिलाई का कपड़ा इसको अंदर की तरफ करते हुए। और जो हमने यहाँ थोड़ा सा खुला छोड़ा था उस पर भी हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से करके, और उसके बाद चारों तरफ हम इसके घुमाते हुए सिलाई लगाए इसी तरीके से ऊपर की तरफ। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमने अपनी बैंड लगाई है, और इसमें गले में आगे बटन पट्टी हमने इस तरीके से लगाई है,
और अभी हमें इसमें हुक लगानी है, फिटिंग करनी है और बाजू लगानी है, तो वो हम आपको बताएंगे। और देखिए अब दोनों साइड जो हमने फिटिंग के निशान लगाए थे उसी के अनुसार अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे इसमें। और जो हिप का निशान हमने लगाया था वहीं तक हमें सिलाई लगानी है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा 1.5 इंच इसी के ऊपर लेंगे जहां पर हमने सिलाई लगाई है, और उसके बाद थोड़ा सा आगे की तरफ करके इसको डबल सिलाई हम करेंगे। अब देखिए इस साइड हमने सिलाई लगा लिया और इसी तरीके से हमें इधर सिलाई लगानी है। और देखिए फिटिंग की सिलाई के बाद अब जो नीचे का पल्लू है हमने 3.5 इंच इसको एक्स्ट्रा रखा था उसको हमें फोल्ड करना है। देखिए इसमें दोनों तरफ छोटे छोटे कट हमारे लगे हुए हैं, ये देखिए दोनों तरफ, और इसी के अनुसार हम इसको फोल्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ तक हमारा कट इस तरह आना चाहिए नीचे की तरफ, ये देखिए इस तरह। अब हम इसको बीच में कच्ची सिलाई लगाएंगे ताकि हम बाद में इस पर तुरपाई कर सकें। और देखिए हमने आगे का पल्ला तैयार कर लिया, इसी तरह हम पीछे का पल्ला तैयार करेंगे। अब देखिए जो पल्ला है हमें 19 इंच का तैयार है, तो इस तरह से हम करके 9.5 इंच पर एक निशान हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, और चारों ही तरफ हमने ये निशान हमने इस तरह लगाया। इसी के अनुसार हम अपने चाक फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम देखेंगे तो ये यहाँ तक हमारा 19 इंच का पल्ला हमारा तैयार होगा। अब देखिए जो हमारा निशान है और इधर हिप की हमारी सिलाई है, इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे। और सबसे पहले हम इतना करेंगे इसको, और उसके जितना भी आप इसको चौड़ा या कम पतला करना चाहते हैं उसी के अनुसार आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी, तो मैं इतना ही करूँगी। और यहाँ पर लाकर जब हमारी हिप बिल्कुल, देखिए जो हिप की सिलाई बिल्कुल इस तरह होना चाहिए, और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ तक लाकर इसको ऐसे घुमाएंगे, सुई हमारी अंदर होनी चाहिए। और इसको इस तरह से करते हुए इस साइड भी जितना भी हमने इस साइड फोल्ड किया है उतना ही हमें इस साइड फोल्ड करना है, बाकी कपड़ा अंदर करते हुए, और सुई को हम इधर इसके ऊपर करनी है, और फिर इस साइड भी हम इसी तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। और जो इस साइड भी हमारा देखिए निशान है इसी के अनुसार हमने इसको फोल्ड किया हुआ है, देखिए ये देखिए। और दूसरी साइड के भी हम इसी तरीके से चाक फोल्ड करेंगे। देखिए ऊपर से हमारा तैयार हो गया, और नीचे से हमारा जो से भी देखिए चाक हमारे कितनी सफाई के साथ हमने इनको फोल्ड किए हैं। पल्ले के अनुसार पल्ला हमारा 19 इंच का तैयार है, और अब हम इसमें बाजू लगाएंगे, तो कुर्ता हमें उल्टा करना होगा उस समय। तो देखिए ये हमारी बाजू है, और जो हमने यहाँ कट के निशान लगाए हैं इसके अनुसार ही हमें इसको इस तरह से करके फोल्ड करना है। अब देखिए दोनों बाजू में हमने नीचे से फोल्ड कर लिया है, हमने इस तरह से फोल्ड करेंगे। और मोरी है इस साइड, तो 4.5 इंच का हम निशान यहाँ पर लगाएंगे, तो 4.5 यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर हमने फिटिंग का निशान लगाया हुआ है, इसी के अनुसार हम इसको सीधा यहाँ इस निशान से सिलाई लगाएंगे, और इस तरह से निशान लगाएंगे इसको यहाँ तक, और अंदर की तरफ हल्की सी इस तरह से गोलाई देंगे। और एक सिलाई हमने जो गोलाई दी थी उस पर लगाई है, और एक हम जो ये सीधा निशान लगाया था इस पर लगाएंगे। तो कई बार बाजू टाइट हो तो हम उसको खोल सकते हैं। और नीचे हम इसी के अनुसार सिलाई लगाएंगे मोरी के, इसी तरह दूसरी बाजू पर। अब देखिए दोनों ही बाजू पर निशान के अनुसार हमने सिलाई लगा दी है, और अब हम बाजू सीधी करेंगे। ये देखिए कुर्ता हमें उल्टा रखना है और बाजू हमें सीधी रखनी है। अब आधा आधा इंच की हम यहाँ से फ्रंट कटिंग दोनों बाजू पर करेंगे,
और फ्रंट कटिंग हमारी ऊपर बन साइड है, नीचे सिलाई की साइड है, दोनों मोरी आमने सामने है। इसमें भी नीचे की साइड हमारी सिलाई है और इधर भी हमें आधा इंच की फ्रंट कटिंग करेंगे। और सिर्फ हमें ऊपर का आगे का पीस पकड़ना है। ये देखिए, सिर्फ हमने इसकी कटिंग की है, इसकी नहीं। ये देखिए, इसी तरह हमें इसमें करनी है, ऊपर का पीस पकड़ेंगे। अब देखिए, कुर्ता उल्टा है और बाजू हमारी सीधी है। नीचे फिटिंग की सिलाई को हम कुर्ते की फिटिंग के साथ मिलाएंगे। बाजू इस तरह से हम यहाँ पर अंदर करेंगे और यहाँ पर फिटिंग की सिलाई पूरी मिलाएंगे। अब देखिए, थोड़ा मशीन को आधा एक इंच हम चलाएंगे और पहले हम देख लेंगे हमारी बाजू पूरी इसमें आ रही है या नहीं। तो हमारी बाजू पूरी इसमें एकदम आ रही है, कोई छोटी बड़ी नहीं है। उसके बाद हम इसमें सिलाई लगा देंगे। अब देखिए, जो हमारा कुर्ते की फिटिंग का कपड़ा बचा हुआ है मार्जिन का और बाजू का है, उसको हम इस तरीके से दोनों तरफ फोल्ड कर देंगे और बीच से सिलाई लेकर जहाँ से शुरू की थी वहाँ लगा देंगे। और देखिए, बाजू हमारी लग चुकी है और ये देखिए सीधी तरफ से हमारी बाजू सिलाई हमारी पूरी मिली हुई है। ये देखिए, ये दूसरी बाजू भी हम इसी तरीके से इस साइड से अंदर बाढ़ेंगे। वो हमने इस साइड लगाई और ये हमें इधर लगानी है। फ्रंट कटिंग को फ्रंट कटिंग के साथ मिलाते हुए सिलाई दोनों की आपस में पूरी मिली होनी चाहिए। और इसमें भी फिटिंग का कपड़ा हमें दोनों का फोल्ड करते हुए बीच से सिलाई लेनी है। अब देखिए, कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग हमने इसकी कटिंग पार्ट वन में डाली थी और इसकी स्टिचिंग हमने किस तरीके से की है, बहुत आसान तरीके से। हमने प्ले गेट्स और इसकी बैन बनानी बताई है। पूरे कुर्ते की हमने स्टिचिंग की है, बहुत आसान तरीका हमने आपको बताया है। और इस तरीके से आप कोई भी स्कूल यूनिफॉर्म तैयार कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि हम लास्ट में आपको बताएंगे किस तरीके से 8 इंच की सलवार है और 33 इंच के हमने कली और गोटों की कटिंग की थी। तो हमने इसमें 4 इंच माइनस किए थे और 4 इंच यदि हम माइनस प्लस हम इसमें बेल्ट में करते हैं तो 4 इंच हमारे पास एक्स्ट्रा बचता है। तो देखिए, जब हम इसमें कली में अपनी कली और गोटों को जोड़ेंगे और हम इसमें प्लेटें डालेंगे और अपनी बेल्ट के साथ अटैच करेंगे तो 1 इंच हमारा उसमें चला जाएगा और 1.5 इंच हमारा जब हम ऊपर नीचे नेफा बनाए तो उसमें चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 2.5 इंच खत्म हो जाता है। तो कई बार नीचे की तरफ हमारा ऊपर नीचे कपड़ा होता है, कान में कपड़ा होता है, तो आधा इंच हमें या उससे ज़्यादा भी कहीं पर कटिंग करना पड़ता है। तो 3.75 के इंच हमारे करीब उसमें ख़त्म हो जाता है, हमारे पास बचता है आधा इंच। तो जब हम मोरी के लिए बनाते हैं तो मोरी में हम जब तैयार करते हैं तो इस तरह फोल्ड करके हमें इसको लगाना होता है। तो हमारे ये 4 इंच ख़त्म हो जाता है। तो 34 में हमारा 4 हुआ है बचा, तो हमारी पूरी 33 इंच हमने इसकी कटिंग की थी और 4 ये हुए, तो हमारी 37 इंच पूरी तैयार लंबाई हमारी सलवार की बैठे। इस तरीके से हमारा पूरा कपड़ा बराबर हो जाता है और जितनी हमें लंबाई अपनी सलवार की चाहिए उतनी हमारी तैयार हो जाती है। यदि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो हम नीचे जब मोरी बनाते हैं तो उसमें उसको अंदर फोल्ड कर देते हैं ऊपर की तरफ से तैयार लंबाई का निशान लगाते हुए। अब सबसे पहले जो हमारे ये गोटे हैं और ये कली हैं तो इनको हम इस तरीके से स्टिच करेंगे। अब देखिए, जो हमारी सलवार है उसको हम किस तरह स्टिच करना है। तो जो ये हमारी दोनों कली हैं यहाँ पर, इसमें ये दोनों कली हैं और ये गोटे हैं, और तो एक कली हम इस साइड जोड़ेंगे और एक कली हम इसके इस साइड जोड़ेंगे। अब देखिए, ये हमारी सलवार की जो कली थी दोनों आपस में जुड़ी हुई थी, यहाँ पर सिर्फ हमें एक सिलाई लगानी है। तो एक गोटा हमने इधर जोड़ लिया है और उसके बराबर में एक कली भी हमने जोड़ ली है, ये देखिए। और इसी तरह से एक जो हमारा कुंता या गोटा है वो हम इधर लगाएंगे यहाँ पर, और किनारी के साथ किनारी होनी चाहिए। और यहाँ पर ये लगाने के बाद एक कली हम इधर लगाएंगे। अब देखिए, जो हम यहाँ पर भी हमने एक पारी सिलाई लगा ली है और इसके साथ गोटा जोड़ा है, और एक गोटा या कुंदा जिसको बोलते हैं वो हमने इसके साथ जोड़ा है। उसके बाद हमने जो हमारी अलग अलग कली थी उसको हमने इस गोटे के साथ एक ही साइड जोड़ दी और एक हमने इस साइड जोड़ दी, और ये बीच में आसन की सिलाई हमने लगा दी है।
और इसके बाद हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे। अब देखिए इस बीच में हमने सिलाई लगा ली है और यहाँ पर हमने इसकी चिड़िया भी मोड़ दी है। अब हम इसको इस तरीके से करके और थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके इस तरीके से यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर डोरिया हम नाड़ा जिसको बोलते हैं वो हमें डालने के लिए चाहिए। तो ये हम इस तरह से बेल्ट तैयार करेंगे। अब देखिए इसमें कोई भी किसी भी तरफ का एक तरफ का आसन ले लीजिए जो आपको बैक साइड में करना है और बेल्ट इसमें है जो हमारी है। तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें एक एक इस तरीके से बैक साइड में प्लेट डालनी है इस तरीके से करके। देखिए पीछे की साइड हमने इसमें प्लेट डाल दी है। हमारी बेल्ट जो है 42 से 42 का हाफ हुआ 21 का भी जो हाफ हुआ 1/4 हुआ वो हुआ 10.5। 10.5 में तो इतना हमारा 10.5 हुआ। 10.5 में यदि हम 1.5 प्लस करते हैं तो हमारे पास हुआ 12। तो सबसे पहले बैक साइड में हम 12 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर एक इस साइड लगाएंगे जो हमारी आसन की सिलाई है वहाँ से, और एक निशान हम इस साइड लगाएंगे 12 इंच पर। अब देखिए ये 12 इंच का हमने दोनों तरफ निशान लगाया। हमने 10.5 में 1.5 इंच प्लस किया पहले, और 1.5 इंच प्लस किया तो हमारे पास हुए 12। अब 10.5 में से हम 1.5 इंच माइनस करते हैं तो हमारे पास बचते हैं 9। तो जो हमारा आगे का आसन है ये हमारा आगे का आसन है, और इसमें इस साइड प्लेटें गिरेंगी और इधर से इस साइड। अब जो इधर की तरफ हम प्लेटें गिरेंगे तो जो हमने ये निशान लगाया है पीछे की तरफ से हमने 12 इंच पर, तो यहाँ तक हमारी 9 इंच के अंदर ये प्लेटें आनी चाहिए आसन से लेकर इस निशान तक। और ये देखिए पूरे आसन से लेके और जो निशान है निशान, ये देखिए पूरे निशान तक हमारा पूरा 9 इंच है। तो 9 इंच के अंदर हमने ये सभी प्लेटें दिए। इसी तरह हम दूसरी साइड डालेंगे। अब देखिए निशान तक हमने दोनों तरफ प्लेटें लगा दी हैं। अब हम इसके साथ बेल्ट अटैच करेंगे। अब देखिए नेफा हमने बनाकर तैयार कर लिया है, ये देखिए उसी के अनुसार हमने इसको फोल्ड किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सेंटर का एक निशान हमने इसमें लगाया हुआ है, ये देखिए सेंटर का एक निशान हमने इसमें लगाया हुआ है। और इस निशान को, ये नेफा हमारा आगे की तरफ है और ये निशान हमने पीछे की तरफ लगाया है, तो इसको हम यहाँ से, ये देखिए दोनों साइड हमारी उल्टी अंदर आनी चाहिए, पीछे का आसन है ये, और यहाँ से हम इसको इस तरीके से मिलाते हुए और आधा इंच की सिलाई लगाते हुए अपनी बेल्ट को लगाएंगे। और ये देखिए जो हमारा आगे का आसन है और जो हमारे बेल्ट की सिलाई है वो पूरी आपस में इस तरीके से मिली होनी चाहिए। बेल्ट लगाने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे। और देखिए बेल्ट भी हमने लगाकर तैयार कर ली है और ऊपर से इसके एक दबी हुई सिलाई हमने इसके ऊपर लगा दी है। अब जो सलवार की मोरी के लिए हमें फॉर्म तैयार करनी है, सबसे पहले हम वो हमने तैयार की है। और ये देखिए ये हमने फॉर्म तैयार कर ली है और ये कपड़ा इसके ऊपर चारों तरफ लगाकर और बीच में इस तरीके से एक सेंटर का निशान भी हमने दोनों में लगा दिया है। अब देखिए ये नीचे कई बार ऊपर नीचे हो जाता है कपड़ा, तो इसको हम पहले बराबर करेंगे। और इसी तरह दूसरी मोरी में भी। और अब देखिए तैयार लंबाई का निशान हम इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसका सेंटर हमें इस तरह से लेना है, इस साइड से भी और यहाँ भी इसका हमें सेंटर लेना है, और यहाँ से ऊपर से अपने इंची टेप को नीचे की तरफ रखते हुए, और देखिए पूरा यहाँ से हमें इस तरीके से यहाँ तक, और यहाँ पर हमारा 37 इंच, जहाँ पर हमारा 37 इंच की हमें सलवार तैयार रखनी है, तो यहाँ पर हम एक निशान 37 इंच का लगाएंगे और एक निशान जो हमें सेंटर का इसमें लगाना होगा यहाँ पर इस तरीके से मोरी के साथ हम इसको बिल्कुल अटैच करेंगे इस तरीके से। और जब हम अपनी मोरी बनाएंगे तो ये जो कपड़ा है हमारा इस तरीके से इस निशान को मोरी के निशान के साथ मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब देखिए इसमें भी हमने सेंटर का निशान लगाया और इस साइड हमने लगाया, इधर हमारा बिल्कुल प्लेन है।
और जिधर हमने सिलाई लगाई है उस साइड हमने इसको निशान को लगाया है। अब इतना जितनी हमारी तैयार लंबाई थी उतना हम इसको फोल्ड करेंगे और जो हमने सेंटर में निशान लगाया यहाँ पर इसको मिलाते हुए और यहाँ पर हम यहाँ से हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। देखिए दो लाइन करके हमने इसके अंदर इस तरीके से ये बहरी कर लाइने वो डाल रहे हैं और इस तरीके से लाइनें हमें नीचे करनी है और तीन लाइनें हमें ऊपर की साइड करनी है अपनी मोड़ी में। और देखिए दोनों ही सलवार में हमने मोरी को इतना तैयार कर लिया, तीन तीन लाइनें हमने ऊपर नीचे कर लिया, बीच में हम डिजाइन करेंगे। अब देखिए ये डिज़ाइन हमें इसमें बनाना है। सलवार की मोरी हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए पीछे की तरफ से भी जो डिज़ाइन हमने बनाया है आगे चौक के कारण दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए 5.5 इंच की मोरी हमें इसमें बनानी है तो 5.5 इंच पर इस तरह से करके एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद एक निशान हम इस तरीके से ये देखिए और इसी तरह दूसरी मोरी में भी 5.5 इंच का निशान हम इस तरीके से लगाएंगे। और देखिए आसन की सिलाई हमारी दोनों पूरी तरीके से मिलाकर तब हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा कुर्ता भी बनकर तैयार है और इसमें हमने हुक वगैरह भी इसमें हमने लगा लिए, हुक हमें लगाने थे इसमें। ये देखिए किस तरीके से हमने इसमें हुक वगैरह लगाकर तैयार किया है और सलवार भी हमारी तैयार है। और ये देखिए सलवार भी हमारी मोरी वगैरह सब बनकर तैयार हैं। और ये हमने प्लेटें का तरीका हमने आपको बताया किस तरीके से प्लेटें डालनी चाहिए और कुर्ता और सलवार हमारी दोनों तैयार हैं। और इस तरीके से आप कोई भी आप स्कूल की यूनिफॉर्म बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इसकी जो कटिंग है वो हमने इसके पार्ट 1 में डाली हुई है, ये हमारा पार्ट 2 है। उसमें हमने सलवार की और ये प्लेकेट्स और पेन वगैरह लगानी बताई है, सलवार बनानी बताई है किस तरीके से हम आसान तरीके से हम इसकी स्टिचिंग कर सकते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक बार हम आपको ये डाल कर दिखाएँगे।